हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले मैंने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अपने मैंने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो हमारा इकोनॉमिक्स का यूनिट है, टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ही समझते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। बेसिकली ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दिया है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, मार्शल जी ने दिया है। किसने दिया है, मार्शल ने दिया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कम चेंज, ज़्यादा चेंज, ये बताता हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड में कितना चेंज आया, कम चेंज आया, ज़्यादा चेंज आया, ये बताता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स अगर हम कहें एक सिंपल भाषा में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सटेंशन माना जाता है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। बेसिकली क्या होता है कि मांग में खिंचाव करने की कोशिश की जाती है। किसमें कहा ना मैंने कि कम या ज़्यादा करने की, कम या ज़्यादा चेंज, कितना चेंज आया। चेंज इलास्टिसिटी का मतलब जो डिमांड में चेंज आया बेसिकली, ठीक है, वो चेंज। अब चेंज की बात कर रहा है तो कहता है किस चेंज की, मींस जो चेंज हमारी प्राइस में, मींस प्राइस कितना बढ़ने के कारण मांग कितनी गिरी, या कीमत कम होने के कारण मांग हमारी कितनी ऊपर बढ़ी, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहें। मैंने कहा ना कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, चेंज। मतलब डिमांड मींस अगर प्राइस कितना बढ़ा कि उससे डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस कितनी कम हुई कि डिमांड बढ़ गई। तो ये जो चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम एक भाषा में कहें, ये होता है इसका कोड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड, ठीक है, कि जो परसेंटेज चेंज हुआ हमारी डिमांड में और जो परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका, और किसने दिया है, मार्शल जी ने दिया है। अब देखो, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्राइस, एक बात करें इनकम, एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और लास्ट होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिफिनेशन समझ में आ गई कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, मींस प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब क्या क्या, प्राइस इलास्टिसिटी में कहता है कि जो डिमांड, जो मांग में चेंज कितना आया और प्राइस में कितना चेंज आया, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बात और, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। दिस इज निगेटिव होता है ये। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइस का फॉर्मूला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बटे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या हुआ इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड प्राइस का, या ईपी हो जाएगा, प्राइस का निकाल रहे हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू क्या है आपका, कितना चेंज आया, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक, और क्यू का मतलब हुआ जो आपकी इनिशियल चेंज है, इनिशियल चेंज है। वहीं पी की बात करेगा तो आपकी इनिशियल जो प्राइस है, और डेल्टा पी है जो प्राइस में चेंज आया, वट एवर द चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज। तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कहा कि जितना चेंज हमारी डिमांड में टू द चेंज इन प्राइस देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक बात और रखेंगे कि ये निगेटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब बहुत बार रिपीटेड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया किसने है, तो मार्शल डी ने दिया है। अब दूसरा देखते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहता है जो चेंज हमारी डिमांड में आया और जो चेंज हमारी इनकम में आया उसे हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव कौन सा होता है, इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये पॉजिटिव होता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इनकम। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई वाई, इनकम को ई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई वाई फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। वाई क्या है आपकी, इनकम है, यहां लिख देते हैं वेयर वाई हो गई इनकम, डेल्टा वाई जो आपकी इनकम में चेंज आया, डेल्टा क्यू जो हो गया आपका चेंज जो आया क्वांटिटी में, और क्यू जो आया आपकी क्वांटिटी इनिशियल जो क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये होता आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में। तीसरा आते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है जो परसेंटेज हमारा चेंज आया इन क्वांटिटी, मींस कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। मतलब क्या हुआ, क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक्स की डिमांड में चेंज आया तो उससे वाई की प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा, यहां पर क्या रिलेशन कर रहा है क्रॉस। ठीक है, मींस फॉर्मूला हो जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज जो चेंज आया हमारी एक्स में चेंज कितना आया, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, मींस कितना परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, कितना चेंज आया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, इलास्टिस क्रॉस इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई। क्यू एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स
एक्स जो है गुड, क्यू है क्वांटिटी, कितना चेंज आया एक्स में और कितना वाई में चेंज आया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इसको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो पांच सिचुएशंस होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, मतलब इसको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला जो होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मींस पूरी तरह से क्या लोचदार मांग, लोचदार मांग। क्या कहता परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, कहता है अगर किसी वस्तु की कीमत में इतना माइनर सा चेंज हो रहा है कि आम जिंदगी में इस हल्के से चेंज को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो देखा जाए जीरो के बराबर हो, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मतलब क्या हुआ फिर समझते हैं कि अगर हमारी प्राइस में माइनर सा भी चेंज आया, कहता है कि माइनर सा चेंज हो रहा है आम जिंदगी में, और जो ये हल्के से चेंज को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो जीरो के बराबर होगा। प्राइस में हमने माइनर चेंज किया और जो आपकी डिमांड में मेजर चेंज, ठीक है, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या परफेक्टली इलास्टिक होती है, पूर्ण तरह से लोचदार होती है। ठीक है, ये कहता है यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इनफिनाइट होती है, ये जो होता है इमेजरी कंडीशन है और इसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो चार बातें आपको याद रखनी है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट होता है, ये एक इमेजिनरी कंडीशंस होती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, नो एग्जिस्टेंस इन रियल लाइफ। ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। रियल लाइफ डायग्राम देखते हैं इसका, ये आपका ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इन्फिनाइट होता है, ये वाई हो गया, ये एक्स, ये पी वन, ठीक है, ये आपका हो गया, तो ये क्या हो गया हॉरिजेंटल लाइंस में होगा, तो ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड दूसरा होता परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको क्या बोलते हैं पूरी तरह से स्थिर मांग, पूरी तरह से स्थिर मांग। इसमें क्या है मींस प्राइस में मेजर चेंज, प्राइस में मेजर चेंज और डिमांड में 0% चेंज, नो चेंज। तो ऐसी केस में हम क्या कहेंगे जो डिमांड है वो कैसी है परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब पूरी तरह से स्थिर मांग। मतलब क्या हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को समझते हैं मींस जितना चाहे हम प्राइस में मेजर चेंज कर लें लेकिन तब भी उसका डिमांड पर 0% चेंज होगा, मांग पर कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसी केस में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी। P1, P2, P3, ये Y, ये X, ठीक है, दिस इज योर डिमांड, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई जीरो हो गई। ठीक है,
ये होता है आपका, ये इसमें भी दो बातें याद रखें, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये भी इमेजिनरी कंडीशंस होते हैं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है रियल लाइफ में, नो एग्जिस्टेंस इन रियल लाइफ, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तीसरा देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली के नाम पे पता चल रहा है ना, रिलेशन बता रहा है, रिलेटिवली रिलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत लोचदार मांग, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। क्या कहता है ये मांग, रिलेटिवली रिलेट कर रहा, मतलब जब किसी वस्तु की प्राइस बदलेगी तो डिमांड भी बदल जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है कि हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसमें क्या हुआ, डिमांड में भी चेंजेस आता है ना, तो प्राइस, जब प्राइस और डिमांड के चेंज आपस में कंपेयर करेंगे तो उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मींस इसमें कहा कि जब हम किसी वस्तु मींस की प्राइस बदलेगी तो डिमांड भी बदलेगी, और जब प्राइस के डिमांड और चेंज में आपस में क्या हम करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कहता है जो परसेंटेज अगर चेंज हुआ हमारा डिमांड में, ये जो डेल्टा दिस इज अ सिंबल ऑफ चेंज इन डिमांड, अगर ग्रेटर होता है हमारी किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ऐसी केस में जो इलास्टिसिटी और डिमांड होगी रिलेटिवली अपेक्षाकृत लोचदार मांग होंगी। मंस रिलेट, हम रिलेट कर रहे हैं ना कि डिमांड में चेंज आया तो प्राइस में भी चेंज आया, प्राइस में आया तो डिमांड में भी चेंज आया, तो दैट इज योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वन से ग्रेटर होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर किस केस में होता है, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। कब होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो परसेंटेज हमारे डिमांड में चेंज हुआ और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो ग्रेटर होता है उससे, ऐसी इसलिए क्या होता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ क्या हो गया, इनइलास्टिक डिमांड, चौथा है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली में मतलब अपेक्षाकृत स्थिर मांग, अपेक्षाकृत क्या होगा, स्थिर मांग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज है, यहाँ कह रहा था क्या हुआ कि प्राइस में मतलब क्या हो रहा था, वहां पर कंपेयर करेंगे जो उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो वहां हम देख रहे थे डिमांड जो है वो प्राइस से क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे कह रहा है कि जब प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज आए तो उसे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे, लेकिन जब प्राइस बदलेगी तो डिमांड भी बदलेगा तो उसे हम क्या कहते थे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है आपकी, एक से ज्यादा हो जाती है, सॉरी एक से लेस हो जाती है, इट इज लेस देन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये होती है आपकी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। पांचवा होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी का मतलब क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एकात्मक लोचदार मांग, एकात्मक लोचदार मांग क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है जितना चेंज प्राइस में आएगा, सॉरी जितना प्राइस में चेंज होगा उतना डिमांड पर चेंज होगा, भाई जितना प्राइस में चेंज आए उतना डिमांड में भी चेंज आए, तो ये हम कह देंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इन दोनों का ग्राफ नहीं बना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का, यहाँ देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का डायग्राम नहीं देखा ना हमने, रिलेटिवली यहाँ पे बता देती हूँ, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक, यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम ग्राफ। देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमें क्या बताया,
यहाँ हमने क्या बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा होती है। ठीक, पी टू हो जाएगा, ये पी वन हो जाएगा। ठीक, ये होता रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये हो जाएगा आपका ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, लेस देन वन। ठीक है, पी टू पी वन पी टू वो क्वांटिटी है डी वन डी टू। ठीक, ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक और ये हो गया आपका ठीक है। इन दोनों के ग्राफ क्लियर हो गए। लास्ट वाले का ग्राफ देखते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना डिमांड में चेंज होगा। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, एक के बराबर होती है ऐसे केस में। एक और पॉइंट कि ये क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशंस होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो एग्जिस्टेंस इन रियल लाइफ। यहाँ इसका ग्राफ देखते हैं, ये हो गया, ये बराबर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। पी वन पी टू डी वन डी टू, ये हो गया इसका ठीक है ग्राफ। तो आई होप यू आप लोग को समझ में आया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्या है, और उसके मैंने टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइस इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी। अब उसको मेज़र कैसे किया जाता है, उसके डिग्री को भी हम देखें, पांचों डिग्री को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको मेज़रमेंट कैसे करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।